अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में प्रदेश सरकार पर कांग्रेस के द्वारा कसे जा रहे तंज पर हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने करारा जवाब दिया है। समीरपुर में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस को डबल इंजन का विकास नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि केंद्र ने हिमाचल को अन्य राज्यों के मुकाबले 14वें व 15वें वित्त आयोग में अपार सहायता दी है। वहीं उन्होंने आप पार्टी के बढ़ते जनाधार पर कहा कि एक राज्य की जीत से भाजपा के जनाधार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री एवं हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर अपने एक दिवसीय दौरे पर हमीरपुर पहुंचे। समीरपुर में अपने निवास स्थान पर अनुराग ठाकुर ने लोगों की समस्याओं को सुना। इस अवसर पर प्रदेश भर से आए हुए लोगों ने जन समस्याएं केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर के समक्ष रखी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए घर पर पहुंचे हैं और खुशी है कि लोगों ने अपनी समस्याएं मेरे समक्ष रखी हैं, जिनका निदान किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं के डबल इंजन की सरकार वाले बयानों पर केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार ने हिमाचल को पहले से दोगुना पैसा 14वें वित्त आयोग में दिया है और इस बार भी ज्यादा बजट हिमाचल को मुहैया करवाएगा और 11,412 करोड़ का प्रावधान किया गया है, तो आपदा के लिए 40% की बढ़ोतरी की गई है, जो कि बाकी राज्यों से ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस को ये सब नहीं दिख रहा है। अपने वोटर्स को और स्थानीय निवासियों को, जिन सभी की कुछ समस्याएं हैं, कुछ काम हैं, उन्हीं को आज सुनने की आज ये दिन रखा गया था और मुझे खुशी है अधिकतर लोगों के काम हो पा रहे हैं। मुझे लगता है अगर आप पिछले 5 वर्ष भी देखें तो मोदी जी ने ये नहीं देखा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, भाजपा की सरकार है। हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हुए हिमाचल को पहले से दुगना पैसा 14वें वित्त आयोग में दिया और अब भी अगर देखा जाए तो 11,412 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो बाकी राज्यों से ज़्यादा है। पंजाब को मात्र 7,000 करोड़ मिल रहा है, उत्तराखंड को मात्र 5,000 करोड़ के लगभग मिल रहा है और हिमाचल को 11,412 करोड़ रुपया मिलेगा। इसके अलावा डिजास्टर रिलीफ फंड में देखा जाए तो वहाँ पर भी लगभग 40% की वृद्धि है, 400 करोड़ रुपये से ज़्यादा उसमें मिलेगा। अलग अलग हेड्स में हिमाचल को पहले से ज़्यादा केंद्र की सरकार पैसा दे रही है और अलग से प्रोजेक्ट भी मंजूर कर रही है। जिसने नहीं देखना वो नहीं देखेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि हिमाचल को लगातार प्रोजेक्टों में वृद्धि और पैसे में भी वृद्धि हुई है। देश में बढ़ रही महंगाई पर हो रही बयानबाजी पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 5 सालों में महंगाई 4% से कम रही है, इसका कारण बीजेपी सरकार ने रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर किसी एक महीने में दाम बढ़ गए हैं तो सीजन के हिसाब से हुआ होगा, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा महंगाई को बढ़ाया है, जिससे जनता त्रस्त रही है। अगर आप पिछले 5 वर्षों को देखेंगे, पूरे देश भर में महंगाई 4% से कम रही। इसका कारण क्या था? हमारी सरकार ने महंगाई पर रोक लगाई। कांग्रेस के समय 12% महंगाई थी, हमारे समय 4% से कम महंगाई रही। और अगर किसी एक महीने में सब्जियों के दाम या पेरिशेबल गुड्स के दाम बढ़ गए होंगे तो सीजनल भी बहुत असर पड़ता है, वो लगातार दाम नहीं बढ़े। दिल्ली में आप पार्टी की जीत के बाद बढ़ते जनाधार पर हो रही चर्चाओं पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश में और भी क्षेत्रीय दल हैं जिनका अपना वर्चस्व है, लेकिन एक रीजन की सरकार होने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि देश में 130 करोड़ की जनता देश को लेकर अलग मत करती है और राज्य को लेकर अपना अलग से मत का प्रयोग करती है। ये देश बहुत बड़ा है, किसी एक राज्य में, बहुत बड़े बड़े राज्य हैं जहाँ पर रीजनल पार्टीज आती हैं, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, जहाँ 20 वर्षों से ज़्यादा नवीन पटनायक की सरकार है। पश्चिम बंगाल है जहाँ पर कम्युनिस्ट और तृणमूल की सरकार पिछले 30-40 सालों से रही, लेकिन एक रीजन की सरकार होना और एक बिल्कुल छोटे से राज्य में सरकार होना, उससे कोई बहुत ज़्यादा अंतर, क्योंकि दिल्ली है, मीडिया सब वहाँ पर है, इसलिए आपको ज़्यादा नज़र आता होगा। लेकिन अगर आप देश को देखें तो 130 करोड़ की जनता अपना मत देश को लेकर अलग तरह से वोट करती है और राज्यों को लेकर अलग तरह से वोट करती है।
हिमाचल में रेल बजट के काम को लटकाने पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने रेल बजट के बारे में ज्ञान नहीं है क्योंकि पिंक बुक देरी से आती है। उन्होंने कहा कि 98 करोड़ रूपए 2019-20 के लिए खर्च किए गए हैं और 50 करोड़ अगले साल के लिए मंजूर करवाया है। मुझे लगता है उन्होंने शायद पढ़ा नहीं, क्योंकि पिंक बुक लेट आती है। पहले रेलवे बजट अलग होता था, अब रेलवे का बजट पूरे बजट के साथ में ही होता है। जैसे अलग अलग मंत्रालयों का वैसे रेलवे का बजट भी होता है, तो उसमें बड़े स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि हमने 58 करोड़ रुपया इस साल 2019-20 में अंब से लेकर आगे रेलवे निर्माण कार्य के लिए जो नंगल उन्ना तलवाड़ा है उसके लिए खर्च किया, 50 करोड़ रुपये हमने अगले साल के लिए मंजूर करवा दिया है ताकि हिमाचल का काम सारा पूरा हो जाए। जो मेरा वायदा था वो भी पूरा हुआ, कई नई रेलगाड़ियाँ मैंने शुरू करवा दी और नई और मंजूर करवा दी हैं, जो पहले नहीं चलती थी वो भी हमने करवाया। अम्बिंद्वारा रेलवे स्टेशन और ऊना रेलवे स्टेशन के लिए करोड़ों रुपए की और नई सौगात मंजूर करवा दी। इसके अलावा भानुपली बिलासपुर रेलवे लाइन के लिए पिछले साल लगभग 380 करोड़ रुपए से ज़्यादा और इस साल लगभग 420 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मंजूरी करवा दी है। इतना पैसा आज तक कभी मंजूर नहीं हुआ जितना अब हुआ है। प्रदेश के एनएच के मामले पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछली सरकारों से डीपीआर तक तैयार नहीं की गई थी, लेकिन अब परिवहन मंत्री ने प्रोजेक्ट को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में फोर लेन के लिए दिक्कतें पेश आ रही हैं, इसलिए फोर लेन की चौड़ाई के हिसाब से ही सड़क को बनाया जाएगा ताकि वाहन आवाजाही कर सकें। उन्होंने कहा कि नूरपुर से लेकर शिमला तक सड़क बनेगी जो कि पर्याप्त होगी और इसी तरह बाकी सड़क मार्गों के लिए काम किया जाएगा। क्योंकि पिछले दो साल जो कांग्रेस के अंतिम दो वर्ष थे उस समय उन्होंने एक भी डीपीआर तैयार नहीं की थी, इसलिए भी राज्यों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन जब भाजपा की सरकार आई तो डीपीआर बनाने की तैयारी शुरू की गई, अब डीपीआर तैयार करके दी गई है। माननीय नितिन गडकरी जी ने अभी हाल ही में दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के नेशनल हाईवेज को लेकर एक बैठक बुलाई थी और उसमें गति को और तेज करने के लिए बातचीत की है। मुझे खुशी इस बात की है कि केंद्रीय मंत्री ने इस पर अपनी ओर से पहल की और सभी की बात सुनकर यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। जहाँ तक फोर लेन की बात है, हिमाचल जैसी भौगोलिक परिस्थितियों में लैंड एक्विजिशन भी एक बड़ा विषय है। कुछ जगह पर लोगों ने विरोध भी किया कि उनकी लैंड क्यों जाती है, तो फोर लेन की जितनी विड्थ है उससे थोड़ी कम होगी, लेकिन टू लेन में भी उसका बहुत बड़ा लाभ। जैसे हमने आपने देखा हमीरपुर से बिलासपुर की सड़क को देखें, सैकड़ों करोड़ रुपए इसके ऊपर मैंने खर्च करवाए। ऐसा ही आपका नूरपुर से लेकर शिमला तक सड़क बनेगी जो पर्याप्त है, जहां पर 3-4 गाड़ियां एक टाइम पर आमने सामने से जा सकती हैं। इससे ना लोगों की ज्यादा जमीन जाएगी और हिमाचल की सड़कों का विकास भी होगा। इस अवसर पर विधायक बोरज कमलेश कुमारी, वरिष्ठ नेता नरेंद्र अत्री, जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त भी मौजूद रहे।